नमस्कार दोस्तों, कल अपन ने बात की थी अधिगम की। किसकी बात की थी? अधिगम की। जो अधिगम की बात की थी अपन ने कल, जो उसका अपन ने सबसे पहले शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया था। जो अधिगम की जो विशेषताएं थी वह विशेषताएं पढ़ ली थी, जो परिभाषाएं थी वह परिभाषाएं पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे अपन अधिगम स्थानांतरण और अधिगम वक्र के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में अपन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अपन पढ़ रहे थे अधिगम। क्या पढ़ रहे थे? अधिगम। अधिगम मैंने आपको अधिगम का अर्थ बता दिया था। जो इसके जो परिभाषाएं थी वो परिभाषा मैंने बताई दी थी। जो इसकी जो वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी थी वह भी मैंने बता दी थी। मैंने अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ बताया था वह सीखना बताया था, और इसको अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है। और मैंने कहा था कि अधिगम किसे कहा जाता है, यानी अधिगम एक मानसिक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति वातावरण में रहकर, कहाँ रहकर? वातावरण में रहकर, अगर वातावरण में रहकर ज्ञान ग्रहण कर और अपने व्यवहार में क्या करता, परिवर्तन करता, उसे अधिगम कहा जाता है। देखो, कल हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि किस किस के बारे में अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अधिगम का अर्थ। क्या पढ़ा था? अधिगम का अर्थ। और अधिगम का अर्थ पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ी हुई थी अधिगम की परिभाषाएं। क्या पढ़ी थी? अधिगम की परिभाषा। अधिगम के परिभाषा। और अधिगम की परिभाषा पढ़ने के बाद मैंने अपने पढ़ी थी अधिगम की विशेषताएं। क्या पढ़ी थी? अधिगम की विशेषताएं। और अधिगम की विशेषता पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ी थी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा। ठीक है, ये चार चीज अपन ने कल पढ़ी थी। इसके बारे में अपन ने अच्छी तरह चर्चा कर ली थी, और आपको, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके समझ में भी आया होगा। लेकिन एक बार इनको मैं वापस दोहरा देता हूँ, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो मैंने अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताया था वह सीखना बताया था, और जो अधिगम की परिभाषा बताई थी मैंने बताया था कि अधिगम एक ऐसा साधन या ऐसा माध्यम है या ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण में रहकर ज्ञान ग्रहण कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मैंने अधिगम की जो विशेषताएं बताई थी, अधिगम का अर्थ तो मैंने बता दिया सीखना, और अधिगम की परिभाषा बताई दी, और तीसरा नंबर पे आता है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की जो पहली विशेषताएं बताई थी मैंने, बताया था कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या बताया था? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बारे में मैंने बताया था कि अधिगम एक जन्मजात नहीं हो अधिगम जन्मजात नहीं होता है। वो तीसरा बताई थी विशेषता, वह बताई थी कि अधिगम कोई अर्जित संपत्ति होता है। तीसरा बताया था कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम संग्रह रहकर किया जाता है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है, अधिगम विकासात्मक है, अधिगम क्रियाशील है, और अधिगम की तैयारी अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। ऐसी अपन ने कल चर्चा की थी। अब उसके बाद में अगला टॉपिक आता है अधिगम की परिभाषाएं। कौन से? अधिगम की परिभाषा। जो अधिगम की जो अपन ने कल परिभाषा पढ़ी थी वह परिभाषा पढ़ी थी वुडवर्थ। कौन सी पढ़ी थी? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना है क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। सीखना है क्या है? विकास की प्रक्रिया। उसको क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने। यह परिभाषा आपको पहले पूछी भी जा चुकी है।
अब दूसरी परिभाषा आती है, वो पढ़ी थी अपन ने शायद गेटस के अनुसार। किसके अनुसार? गेटस के अनुसार। गेटस के अनुसार अपन ने परिभाषा ये पढ़ी थी कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। इसके बाद में जो तीसरी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, वह तीसरी परिभाषा ये पढ़ी थी किसके नाम? गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा ये पढ़ी थी कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है, यानी व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में ही परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। और एक परिभाषा पढ़ी थी पावलोव के अनुसार, पावलोव के अनुसार पढ़ी थी कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वो जो पावलोव थे उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था, जो उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? एक कुत्ते पर, कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था। तो उसको आगे इसी के बारे में जस्ट उसकी चर्चा करेंगे सिद्धांतों के, उसके बारे में आपको अच्छी तरह बता दिया जाएगा। आज देखो आज का जो नया टॉपिक, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अधिगम स्थानांतरण। क्या पढ़ेंगे? अधिगम स्थानांतरण। देखो लिख लो आज, आप चाहो तो साथ के साथ मेरे लिख सकते हो, मैं आपको एक एक चीज आज बोर्ड पे लिखवा दूंगा और आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। देखो अधिगम स्थानांतरण, देखो अधिगम अधिगम स्थानांतरण। देखो दोस्तों जो यह राइटिंग है मेरी थोड़ी खराब है, इतनी खराब भी नहीं है कि आपके समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी बहुत खराब है। लेकिन क्योंकि शुरुआत से मेरी राइटिंग खराब है, इस कारण से इसमें थोड़ी बहुत लिखने में क्या आती है, मेरे को दिक्कत भी आती है, लेकिन इतनी खराब नहीं है कि आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मेरे को पूरा विश्वास है कि जो मैं लिख रहा हूं वह आपके समझ में आ रहा होगा। देखो अब अधिगम स्थानांतरण, तो अधिगम स्थानांतरण सबसे पहले अपने अधिगम का अर्थ तो पढ़ लिया भाई, अधिगम का अर्थ तो सीखना होता है। अभी स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? स्थानांतरण का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण। किसी भी चीज को या किसी भी विषय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। यह नहीं है कि अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, केवल स्थानांतरण कहलाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। आप देखो अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण देखो इसका लिख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब इसके बाद में आता है अधिगम। क्या आता है? अधिगम। तो अधिगम स्थानांतरण के बारे में क्या कह सकते हैं अपन? ये कह सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण जिसके द्वारा व्यक्ति, यानी पूर्व में, परिभाषा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको एक एक चीज पर ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना है और आपको समझना है। देखो मैंने क्या बोला कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, कब सीखा हुआ? पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पहले सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में, यानी अपना कोई भी चीज पहले सीखी हुई है और नई चीज को सीखने में क्या करती है? कभी सहायता उत्पन्न करती है, कभी क्या करती है? सहायता उत्पन्न करती है, और कभी बाधा उत्पन्न करती है, और कभी न तो सहायता उत्पन्न करती है और न कभी बाधा उत्पन्न करती है, उसे क्या कहा जाता है? अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। देखो एक बार परिभाषा में वापिस बोलता हूं, आपको सुनना है। देखो अधिगम एक ऐसा माध्यम या ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व यानी
पहले सीखा हुआ ज्ञान दूसरी भाषा है ना, नवीन ज्ञान सीखने में यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में कभी तो बाधा उत्पन्न करे और कभी सहायता उत्पन्न करे, और कभी न तो सहायता उत्पन्न करे न कभी बाधा उत्पन्न करे, उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा बताए, अब अधिगम स्थानांतरण के बारे में आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जो अधिगम स्थानांतरण होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। देखो दो भागों में बांटा गया है, जो पहला होता है व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, पहला होता है व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, और दूसरा होता है संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम। मैंने बताया कि जो अधिगम स्थानांतरण होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला तो होता है व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, दूसरा होता है संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम। जो व्यवहारवाद है स्थानांतरण अधिगम उसको तीन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उसको तो तीन भागों में बांटा गया है, और जो संज्ञानात्मक स्थानांतरण है उसको चार भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। जो व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम है उसको तीन भागों में बांटा गया है, और जो संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम है उसको चार भागों में बांटा गया है। देखो सबसे पहले की बात करते हैं, व्यवहारवाद स्थानांतरण जो अधिगम है उसको तीन भागों में कौन कौन से में बांटे गए हैं। देखो पहला होता है इसमें सकारात्मक, क्या होता है सकारात्मक, सकारात्मक को आप एक नाम से और जान सकते हो धनात्मक, क्या धनात्मक व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, यानी सकारात्मक धनात्मक व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, ये तो कौन सा हो गया एक नंबर का। अब दूसरी बात करेंगे तो दूसरे कौन से भाग में बांटा गया है, तो सकारात्मक की जगह हो जाएगा नकारात्मक, क्या हो जाएगा नकारात्मक, और धनात्मक की जगह क्या हो जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा ऋणात्मक। इसको वैसे के वैसे लिख सकते हो कि व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। अब इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है या जो तीसरा भाग है वह कहलाता है शून्य स्थानांतरण, क्या कहलाता है शून्य स्थानांतरण। अब देखो मैंने बताया कि जो अधिगम स्थानांतरण होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है, यानी अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है, पहला तो होता है व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, दूसरा होता है संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम। जो व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम है उसको तीन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला तो होता है सकारात्मक या धनात्मक या व्यवहारवाद स्थानांतरण, और जो दूसरा होता है वो होता है नकारात्मक ऋणात्मक व्यवहारवादमक स्थानांतरण, और तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। अब देखो
अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो। देखो लिखवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो अधिगम। क्या डाल लो? अधिगम। ऊपर ही ऊपर अपनी कॉपी है उसके ऊपर डाल लो अधिगम। क्या डाल लो? अधिगम। और उसके बाद में डाल लो आप, डाल लिया सबने अधिगम? हाँ, तो अधिगम डालने के बाद आप जस्ट उसके नीचे डालो अधिगम स्थानांतरण। क्या डालो? अधिगम स्थानांतरण। देखो सबसे पहले आप अपनी कॉपी है उसके अंदर डालो ऊपर ही ऊपर अधिगम। क्या डालो? अधिगम। और अधिगम के बाद में डालो अधिगम स्थानांतरण। वहां नहीं डालना है, एक लाइन छोड़ के यहां डालना है अधिगम स्थानांतरण। देखो अधिगम स्थानांतरण लिख के एक आप ये तीर का निशान लगा लो। क्या लगा लो? तीर का निशान। अब आप जहां आपने तीर का निशान लगाया ना, अब आप उस लाइन को तो छोड़ दो और जो इसके जस्ट नीचली वाली लाइन है ना वहां से लिखना शुरू कर दो। यानी अधिगम स्थानांतरण लिख लिया। अधिगम स्थानांतरण लिखने के बाद जस्ट ये जो नीचे है ना उसको लिखना, वहां से लिखना शुरू कर दो। तो लिखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। पहले लिख लिया अधिगम स्थानांतरण, और अधिगम स्थानांतरण के बाद में आपने जस्ट निचली लाइन से क्या लिखा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। लिख लिया? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। देखो अब इसके बाद में आप लिख सकते हो कि अधिगम स्थानांतरण को, अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है। लिख लो अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है। अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है। लिख लिया सभी ने? अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है। अब लिख लो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा। अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा, सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया आपको? अधिगम स्थानांतरण, और अधिगम स्थानांतरण के नीचे लिखवाया एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और पीने आपने बताया कि अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है। अब लिख लो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा। जो अधिगम स्थानांतरण की जो परिभाषा लिखोगे वह लिखो कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान। कब सीखा हुआ? पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान। पूर्व से अगर पहले आप ब्रैकेट के अंदर पूर्व यानी पहले भी डाल सकते हो। क्या लिख सकते हो? पहले, यानी पूर्व या पहले, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में कभी तो क्या करे? बाधा उत्पन्न करे, और कभी क्या करे? सहायता उत्पन्न करे, और कभी न तो सहायता उत्पन्न करे और न कभी बाधा उत्पन्न करे, उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। क्या लिखा? कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान कभी तो सीखने में, नवीन ज्ञान सीखने में कभी तो सहायता उत्पन्न करे और कभी बाधा उत्पन्न करे, और कभी न तो सहायता उत्पन्न करे और न कभी बाधा उत्पन्न करे, उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अब इसके बाद में मैंने बताया कि अधिगम स्थानांतरण को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लिख लो व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। उसके बाद में कौन सा लिख लो? व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। ये तो लिख लो पहले नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे लिखोगे वह लिख लो संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम। दूसरे नंबर पर कौन सा लिखोगे? संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम। आज सबसे पहले आप डालो व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। सबसे पहले कौन सा डालो? व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। अब देखो
व्यवहारवाद स्थानांतरण जो अधिगम डालोगे उसको लिखो, इसको तीन भागों में बांटा गया है। व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम को तीन भागों में बांटा गया है, लिख लिया। अब उसके बाद में सबसे पहला लिखो सकारात्मक, क्या लिखो सकारात्मक, जो सकारात्मक का दूसरा नाम है वह क्या है, धनात्मक व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम। ये तो लिख लो आप पहला, कौन सा लिख लो पहला, यानी सकारात्मक, सकारात्मक धनात्मक व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, ये तो हो गया पहला। वो दूसरा लिख लो आप नकारात्मक स्थानांतरण व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, और तीसरा लिख लो शून्य स्थानांतरण व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, यानी शून्य स्थानांतरण व्यवहारवाद स्थानांतरण लिख लिया। अब देखो इसके बाद में अपन एक एक की चर्चा करेंगे भाई, सकारात्मक किसे कहते हैं, नकारात्मक किसे कहते हैं, शून्य स्थानांतरण किसे कहते हैं। देखो आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सकारात्मक आ जाए जब भी वही बात है, और धनात्मक आ जाए जब भी वही बात है, और नकारात्मक आ जाए जब भी वही बात है, ऋणात्मक आ जाए जब भी वही बात है। यानी आप धनात्मक को तो सकारात्मक कह सकते हो, सकारात्मक को धनात्मक कह सकते हो, और नकारात्मक को ऋणात्मक कह सकते हो, और ऋणात्मक को नकारात्मक कह सकते हो, आप किसी भी नाम से जान सकते हो। अरे देखा करो कभी कभी विद्यालय में क्या होता है कि कहीं बच्चे के दो नाम होते हैं, क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। एक मेरा फेवरेट बच्चा जिसका नाम है कालू, क्या नाम है कालू, मैं उसको लाड प्यार से क्या कहता हूं कालू, क्या कहता हूं कालू, लेकिन उसका विद्यालय में नाम क्या है मनीष, क्या नाम है उसका मनीष, लेकिन उसका दोनों का नाम यानी कालू का नाम ही मनीष है और मनीष का नाम ही कालू है, लेकिन उसको घर पर तो किसके नाम से जाना जाता है, कालू के नाम से, किसके नाम से कालू के नाम से, और विद्यालय में किसके नाम से जाना जाता है मनीष के नाम से। तो क्या है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर विद्यालय के किसके, विद्यालय के लड़के किसके घर आते हैं कालू के घर, किसके घर कालू के घर, तो कालू को घर आते हैं तो मनीष से पूछते हैं कि मनीष के बारे में पूछते हैं कि कालू कहाँ गया, किसके बारे में मनीष के बारे में, किसका नाम लेते हैं मनीष का, मनीष से पूछते हैं किससे मनीष से कि जो कालू, क्योंकि वहां पर भी घर के आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो अपने घर वालों को या अपने आसपास के लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि कालू का नाम स्कूल में क्या है मनीष, क्या नाम है मनीष। लेकिन जब अब ये विद्यालय के लोग आएंगे मनीष के, कौन से विद्यालय के लोग के, तो वे कालू के घर आते हैं, किसके घर आते हैं कालू के घर आते हैं, तो वो तो ये बोलेंगे भाई मनीष कहाँ गया, क्या गया मनीष कहाँ गया, और जो कालू के लोग कहाँ जाएंगे विद्यालय में, वे क्या बोलेंगे कि मनीष को कहाँ है। तो ये उसका बोलने का फर्क है, उन दोनों का नाम एक ही है। अब देखो एक एक की मिटा देता हूं इसको, आपने लिख लिया होगा सभी, मैंने एक बार वापिस दोहरा देता हूं कि जो अधिगम स्थानांतरण है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, दूसरा होता है संज्ञानात्मक स्थानांतरण अधिगम। जो व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम है उसको तीन भागों में बांटा गया है, पहला होता है सकारात्मक या धनात्मक व्यवहारवाद स्थानांतरण अधिगम, जो दूसरा होता है वह नकारात्मक स्थानांतरण व्यवहारवाद अधिगम, और जो तीसरा होता है वह शून्य स्थानांतरण अधिगम। अब देखो दोस्तों इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो मैंने व्यवहारवाद के अनुसार कितने बताए, तीन। सबसे पहले पढ़ेंगे सकारात्मक, कौन सा पढ़ेंगे सकारात्मक। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे सकारात्मक,
सकारात्मक का मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया था, धनात्मक। क्या बताया था, धनात्मक। धनात्मक और धनात्मक सकारात्मक का दूसरा नाम धनात्मक स्थानांतरण अधिगम, स्थानांतरण अधिगम। अब देखो सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण अधिगम, देखो इसके बारे में लिख सकते हैं कि अपन सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण अधिगम किसे कहते हैं। अब देखो ये बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं आपको, एक प्रैक्टिकल तरीके से बताने जा रहा हूं। ये नहीं है कि मैं कहीं रट्टा मारा हुआ, किताबों में पढ़ा हुआ, कहीं और जगह पढ़ा हुआ, मैं आपको ऐसा बता दूंगा ये, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तीनों क्वेश्चनों में से, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर बार मिलता है, और इस बार भी तीनों में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहां समझना है, अगर आपने एक बार यहां समझ लिया ना तो आपको जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी। ये और कह देता हूं मैं, देखो सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, इसको क्या होता है कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, कब सीखा हुआ, यानी पूर्व में, मैं लिख देता हूं, यानी पूर्व में कब सीखा हुआ, यानी पूर्व में सीखा, पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, नवीन ज्ञान, कौन सा ज्ञान, नवीन ज्ञान सीखने में, नवीन ज्ञान सीखने में, सीखने में क्या करता है, सहायता, क्या करता है, सहायता उत्पन्न, क्या करता है, सहायता उत्पन्न करता है, उसे कौन सा कहा जाता है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण अधिगम कहा जाता है। यानी पूर्व में अगर कोई भी चीज अपनी सीखी हुई है, यानी पूर्व में सीखी हुई ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और भाई उदाहरण देखो कितना अच्छा उदाहरण है, क्योंकि देखो जब बचपन होता है, कब होता है, बचपन, तो बचपन का उदाहरण बताता हूं। जैसे मोटरसाइकिल, क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है उसको क्या होती है, दिक्कत होती है, क्या होती है, दिक्कत होती है। तो मैं इसमें बताता हूं कि साइकिल चलाकर, क्या चलाकर, साइकिल चलाकर व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल चलाना, यानी पहले व्यक्ति ने क्या चलाई, साइकिल चलाई, और साइकिल चलाने के बाद उसने क्या चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, तो मोटरसाइकिल चलाने में क्या हो गई, आसान हो गई। जो पूर्व में कौन सा ज्ञान सीखा हुआ था, साइकिल चलाना, और नवीन ज्ञान उसने कौन सा सीखा, मोटरसाइकिल चलाना। यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में क्या करता है, सहायता उत्पन्न करता है, क्या करता है, सहायता उत्पन्न करता है, उससे सकारात्मक या धनात्मक या स्थानांतरण अधिगम कहते हैं। इसके साथ मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, यानी छोटा बालक होता है वो जोड़ बाकी सीख जाने के बाद, क्या सीख जाने के बाद, जोड़ बाकी सीख जाने के बाद माता पिता के द्वारा, किसके द्वारा, माता पिता के द्वारा, यानी छोटे बालक को जोड़ बाकी सीख जाने के बाद माता पिताओं के द्वारा मार्केट में, मार्केट में सामान लेने के लिए भेजना, सामान लेने के लिए भेजना, और बालक को सामान लेते समय पैसों में, पैसों में लेन देन करने में आसानी होना। उसको आसानी क्यों हो गई, क्योंकि पहले उसको क्या आते हैं, बालक को जोड़ बाकी, क्या आते हैं, जोड़ बाकी। अगर बालक को पहले जोड़ बाकी नहीं आते तो वह दुकान पर जाकर कोई हिसाब कर सकता था क्या, वह लेन देन कर सकता था क्या पैसों की, नहीं। तो मैंने ये कहा है कि पूर्व में सीखी हुई विषय वस्तु का ज्ञान नवीन विषय वस्तु सीखने में क्या करता है, सहायता उत्पन्न करता है, उसे सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखो उसके बाद में एक पढ़ते हैं नकारात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक, यानी नकारात्मक या ऋणात्मक।
तो देखो नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, कब सीखा हुआ, पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में, क्या करने में, नवीन ज्ञान सीखने में कभी क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, यानी पूर्व में कोई भी ज्ञान सीखा हुआ है, क्या हुआ है, सीखा हुआ है, और अब जब अपन नवीन ज्ञान सीखते हैं उसको सीखने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के साथ बताता हूं आपको, उदाहरण के साथ ये दे बताता हूं कि देखो अपने पास एक मोटरसाइकिल है, वह मोटरसाइकिल कौन सी है, स्प्लेंडर, कौन सी है, स्प्लेंडर। अब आप उसको दो तीन साल से कौन सी गाड़ी आंक रहे हो, स्प्लेंडर, क्या आंक रहे हो, स्प्लेंडर। अब आप इस चार्ज को जानते हो कि गाड़ी गाड़ी समान होती है, समान होती है, लेकिन समस्या क्या आती है कि उसके अंदर जो स्प्लेंडर के जो गाड़ी के जो गियर लगते हैं, क्या लगते हैं, गियर, जो स्प्लेंडर गाड़ी के जो गियर लगते हैं वह तो कहां लगते हैं, पीछे, कहां लगते हैं, पीछे। लेकिन वह दो तीन साल से स्प्लेंडर गाड़ी हांकता है, लेकिन एक दिन उसके दोस्त की गाड़ी हांकता है, उसका क्या नाम है, बजाज, जानते हो ना बजाज की गाड़ी कौन सी होती है और स्प्लेंडर की गाड़ी कौन सी होती है, बहुत हाकी होगी आपने, बहुत बहुत उड़ाई होगी। देखो अब उसमें नकारात्मक या ऋणात्मक, अब इसमें मैंने कहा कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले अपन ने गाड़ी कौन सी आंकी थी, स्प्लेंडर, और अपने दोस्त की गाड़ी कौन सी आंक रहे हैं, बजाज। तो बजाज में गियर कहां लगते हैं, शुरुआत में, आगे, और स्प्लेंडर में कहां लगते हैं, पीछे, कहां लगते हैं, पीछे। तो क्योंकि शुरुआत में उसको अपन हांक तो लेते हैं गाड़ी को, लेकिन हांकने के बाद अपन आगे जाते हैं तो अपन उस चीज को भूल जाते हैं कि अपन बजाज गाड़ी हांक रहे हैं या स्प्लेंडर गाड़ी हांक रहे हैं, क्योंकि अपन को आदत किसकी पड़ी हुई है, स्प्लेंडर गाड़ी की पड़ी हुई है। तो अपन क्या करते हैं कि जो स्प्लेंडर गाड़ी में जो पीछे गियर लगता है, कहां लगता है, पीछे गियर लगता है, उसी के हिसाब से आप बजाज गाड़ी में भी कहां गियर लगा देते हो, पीछे। तो उसकी जगह गियर निकलने की जगह क्या हो जाता है, लगने की जगह गियर निकल जाता है। तो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान क्या कर रहा है, कि नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न करना नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब इसके बाद में मैं आपको एक और बताता हूं, वो उदाहरण देखो उसमें, यानी राजस्थान में, यानी राजस्थान में या देश में, राजस्थान में या देश में गाड़ी हांक कर विदेशी गाड़ी हांकना, कहां सीखना, यानी राजस्थान में गाड़ी हांक कर कौन सी गाड़ी हांकना, विदेशी गाड़ी हांकना, वह कौन सा नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो राजस्थान में जो गाड़ियों की जो स्टेयरिंग होती है, क्या होती है, स्टेयरिंग होती है, वह तो कुदर होती है, बाएं होती है, लेकिन जो विदेशियों की जो स्टेयरिंग होती है वह दाएं होती है, कहां होती है, दाएं होती है। तो वह क्या करती है कि जब चलाते हैं तो उसमें हमारे को क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। देखो जैसे किसी बच्चे को अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी सिखवाना, क्या कि किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती है, क्या नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, और उसके माध्यम से अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं, किसके माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, वह भी नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अबे इसके बाद में नकारात्मक के बाद में पढ़ते हैं शून्य स्थानांतरण, क्या, शून्य स्थानांतरण। अब शून्य स्थानांतरण में लिख सकते हैं कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में, यानी
नवीन ज्ञान सीखने में न तो कभी बाधा उत्पन्न करता है और न कभी सहायता उत्पन्न करता है, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में, कौन सा ज्ञान सीखने में, नवीन ज्ञान सीखने में न कभी बाधा उत्पन्न करता है और न कभी सहायता उत्पन्न करता है, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे एक है कबीर के दोहे याद करने के बाद तुलसीदास जी के दोहे याद करना, यानी कबीर के दोहे याद करने पर तुलसीदास जी के दोहे याद करना है, क्योंकि उसमें न तो कोई बाधा उत्पन्न होती है न कोई सहायता उत्पन्न होती है। वह क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया कि कबीर के दोहे याद करने पर तुलसीदास जी के दोहे याद करना। एक उदाहरण और देख लो कि विद्यालय में प्रतिज्ञा याद करने पर, यानी जो प्रार्थना बोलती है ना विद्यालय में, बहुत बोली है पीछे बेचे बैठ के, क्योंकि जो संस्कृत वाले जो बच्चे थे ना जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको दो दो साल निकल जाती थी, लेकिन उनको ये पता नहीं पड़ता था कि संस्कृत के अंदर कौन सी प्रार्थना बोल रही है, पीछे बैठ के और हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके वैसे वैसे बैठे रहते जैसे कोई मूर्ति बैठी हुई है ना, वैसे बैठे हुए होते। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि शून्य स्थानांतरण पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में कभी न तो सहायता उत्पन्न करता है और न कभी बाधा उत्पन्न करता है। मैंने इसका सबसे पहले आपको जो उदाहरण दिया था वह यह था कि कबीर के दोहे याद करने के बाद तुलसीदास जी के दोहे याद करना, और जो दूसरा उदाहरण दिया था वह मैंने वो दिया था के प्रतिज्ञा याद करने के बाद वंदे मातरम याद करना या चाहे राष्ट्रगान याद करना। एक उदाहरण वो लिख सकते हो कि हिंदी याद करने के बाद, हिंदी याद करने के बाद राजस्थान अध्ययन याद करना, हिंदी या हिंदी पढ़ने के बाद राजस्थान अध्ययन पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो कभी सहायता उत्पन्न करेगी और न कभी बाधा उत्पन्न करेगी, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन तीनों के अंदर से, इन तीनों के अंदर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कारण से आपको ये टॉपिक अच्छी तरह पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको सिद्धांतों के अंदर से पूछा जाएगा, तो आपको पढ़ना चाहे कम पढ़ लो लेकिन थोड़ा तरीके से पढ़ो। अब इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखा थोड़ी है आपने, अच्छी बात है नहीं लिखा तो। देखो सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण अधिगम डाल लिया आपने, डाल लो सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण अधिगम। देखो दोस्तों मैं देखता हूं कि जो अगली कक्षा 30 से पहले अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ और जो परिभाषाएं बताई थी उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट देखा है, वो कमेंट है मैंने देखा है कि कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, क्योंकि आपको फालतू की चीज से कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल आपकी पढ़ाई से मतलब है, आपको अच्छा पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। वह आप अगर आपका पढ़ना इतना मायना नहीं रखता है, आप जितनी रणनीति के अनुसार, रणनीति होनी चाहिए पढ़ने की भी, ये नहीं है कि 22-22 घंटा 18-18 घंटा पढ़ने वालों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, एक पढ़ने के लिए भी एक रणनीति होनी चाहिए। जब तक आपके पास पढ़ने की रणनीति नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस सारे बच्चों को देखा करो दिन रात किताबों में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं होता है। अरे हमारे एक बच्चा है जो लक्ष्य की किताब है वो रिट की किताब पढ़ता है, उसके दो तीन बार उसने रिट की एग्जाम दे दी, टेट की दे दी, एक बार टेट की दे दी, दो बार रिट की दे दी, लेकिन उससे रिट भी पास नहीं होती है। और मैं जब जाके पूछता हूं ना उससे क्वेश्चन तो लक्ष्य की उसको पूरी किताब याद है, क्या है पूरी किताब याद है। तो पढ़ने की भी एक रणनीति होनी चाहिए और समझना, क्योंकि आजकल पहले वाले एग्जाम वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन आता है वह आपको घुमा फिरा के देता है और आपको कंफ्यूज करना देता है। वह यही देखता है कि बालक के अंदर कितना दिमाग है, कितना उसने समझा है, उसने किस प्रकार से पढ़ा है। वो जमाने गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते थे। अब इसको लिख लो, सबसे पहले लिख लो सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण अधिगम को भी तीन भागों में बांटा गया है।
लिख लिया। देखो इसमें पहला डाल लो स्थानांतर धनात्मक, दूसरा डाल लो नकारात्मक ऋणात्मक, तीसरा डाल लो शून्य स्थानांतरण। अभी वैसे तो मेरे को लिखवाने की दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छी तरह बताया है, क्योंकि जो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में सहायता प्रदान करता है या सहायता प्रदान करता है उसे सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे जैसे साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना, हिंदी पढ़कर संस्कृत विषय पढ़ना, वह भी कौन सा आएगा? सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण आएगा। फिर आएगा नकारात्मक स्थानांतरण, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में कभी साहित्य कभी बाधा उत्पन्न करता है उसे नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। देखो इसके मैंने उदाहरण बताया था कि राजस्थान में या भारत में गाड़ी चलाकर विदेशी गाड़ी चलाना, क्योंकि जो विदेशी गाड़ी चलाते हैं उनकी स्टीयरिंग तो कहाँ होती है? बाएं होती है, वो जो विदेशी की स्टीयरिंग होती है वह दाएं होती है, वह क्या करती है? सीखने के लिए बाधा उत्पन्न करती है। और एक और उदाहरण दिया था मैंने, वह दिया था कि बजाज गाड़ी, या तो बजाज गाड़ी लिख लो या स्प्लेंडर गाड़ी लिख लो, यानी स्प्लेंडर गाड़ी चलाकर बजाज गाड़ी चलाना, यानी स्प्लेंडर गाड़ी चलाकर बजाज गाड़ी चलाना कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? क्योंकि वह क्या करता है कि सीखने के लिए बाधा उत्पन्न करता है, इस कारण से नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। फिर आता है शून्य स्थानांतरण, यानी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में कभी तो बाधा उत्पन्न करता है और कभी सहायता उत्पन्न करता है, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे जैसे रहीम के दोहे याद करने पर, रहीम के दोहे या कबीर के दोहे याद करने पर तुलसीदास जी के दोहे याद करने में न कभी तो बाधा उत्पन्न करता है और न कभी सहायता उत्पन्न करता है, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। एक और देख लो उदाहरण, एक उदाहरण ये और देख लो कि प्रतिज्ञा याद करने पर, क्या याद करने पर? प्रतिज्ञा याद करने पर क्या याद करना? प्रतिज्ञा याद करने पर, प्रतिज्ञा याद करने पर वंदे मातरम याद करना, राष्ट्रगान याद करना शून्य स्थानांतरण कहलाता है। और मैंने आज जो पढ़ाया वो आपको लिखवा दिया, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो पढ़ाया वह आपने अपने कॉपी के अंदर नोट भी किया होगा और लिखा भी होगा और अच्छी तरह समझा भी होगा, क्योंकि आपको जो ये टॉपिक पढ़ाए, पहले मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था अधिगम का अर्थ, फिर दूसरा पढ़ाया था अधिगम की परिभाषाएं, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ाया था अधिगम का क्या पढ़ाया था, फिर अधिगम की विशेषताएं, फिर अधिगम के वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, फिर मैंने पढ़ाया था अधिगम का स्थानांतरण, फिर अधिगम का स्थानांतरण के बारे में अपन व्यवहारवाद के बारे में चर्चा कर चुके थे, और व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करने के बाद आपके एक टॉपिक और बचा हुआ है संज्ञानात्मक के अनुसार। संज्ञानात्मक के अनुसार चार भागों में बांटा गया है, जो पहला तो होता है एक पक्षीय, दूसरा होता है द्विपक्षीय, और तीसरा होता है लंबवत या उर्ध, और चौथा होता है क्षैतिज स्थानांतरण। उसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद, क्योंकि आपकी पढ़ाई को रेगुलरली बनाते रखो, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई को एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो आपको बहुत सारा नुकसान भोगना पड़ सकता है। इस कारण से मेरा कहना है कि पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखो और साथ के साथ इनको पढ़ते चलो और याद करते चलो। अगर एक बार पीछे रह गए तो ये मान लो कभी भी आप आगे वह हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी में लग चुके हैं। मैं आज की जो ये क्लास है उसको आज मैं यहाँ विराम देता हूँ, और इसके बारे में आज अपन अगली कक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि आपको मैं एक दो घंटे बाद इस क्लास की दूसरी क्लास की चर्चा करें, और हो सकता है कि अगर मेरी दूसरी जगह कहीं क्लास होगी तो इस टॉपिक के बारे में कल वापस चर्चा करेंगे। आपका तीन दिन दो दिन में आपका जो अधिगम है ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको दो दिन के अंदर पूरा इसको अपने करवा देंगे। फिर अधिगम के बाद में देखो कई बच्चों का
मैंने कल एक कमेंट और देखा था, जो कल की क्लास थी उसमें बच्चों ने कह रहा था कि सर आपने मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया। क्या नहीं पढ़ाया? मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया। देखो बच्चों, मनोविज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है कि वो आपके सिलेबस में एक आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको आनी चाहिए, लेकिन वह एग्जाम की दृष्टि से आपके उसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आपको मैं वैसे नॉलेज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ की चर्चा भी कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।